सभी युवा साथी और इधर छोटे मंच में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और नेतागण, सबसे पहले तो मैं अपने युवा साथियों से कहूंगी कि जहां है वहां शांति से खड़े हो जाएं। तो आप अपने नेता की बात कैसे सुन पाएंगे? हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, यह देश की दिशा को बदलने वाला चुनाव है। यह बदलाव का चुनाव है और यह परिवर्तन का चुनाव है। जो हालात आज पूरे देश में हैं, जिस तरह दबाव की राजनीति का प्रयोग देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे गांव में प्रधान और पूर्व प्रधान तक झेल रहे हैं, तो मैं समझती हूं कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति हमारे लोकतंत्र पे खतरा मंडराने वाली राजनीति है। और कहीं ना कहीं मौजूदा बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र कायम रहे। हम सभी जानते हैं कि आज देश में, प्रदेश में सभी वर्ग, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो और चाहे हमारा जवान हो, कहीं ना कहीं सभी अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं और अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और क्योंकि अग्निवीर जैसी योजना लाके कहीं ना कहीं भाजपा ने पूरे देश को, पूरे राष्ट्र का सम्मान गिराने का काम किया है। तो मेरा यह मानना है कि इस परिवर्तन की लड़ाई में आप सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आपका सहयोग लगातार जो आज ये विशाल रैली के रूप में यहां दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि गठबंधन की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार केंद्र में आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर केंद्र से भाजपा की सरकार जाती है तो युवाओं को रोजगार का अवसर तो मिलेगा, महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल पेंशन तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी ये भाजपा की सरकार जा सकती है। और लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन जीत रहा है मैनपुरी से, अब लड़ाई इस बात की है कि हम कितना वोट अपना बढ़ा ले जाएं। और जिस तरह की दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, जहां देश के मुख्यमंत्री प्रदेशों के जेल में हैं, तो बताइए जिस तरह की दबाव की राजनीति यह गांव-गांव में ला रहे हैं, तो क्या आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या हमारा संविधान खतरे में नहीं है? तो यह कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। और मैं आप सब से कहना चाहती हूं, अपने एक एक कार्यकर्ता से जो आज यहां उपस्थित है, कि आपके साथ पूरी समाजवादी पार्टी और सभी वरिष्ठ नेतागण खड़े हैं और किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपका सहयोग, आपका साथ हमेशा हमारे साथ है, उसी तरह हमारा सहयोग, हमारा साथ हमेशा आपके साथ है और किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है।
यहां 1996 से ही सपा का कब्जा रहा है। 1996 में मुलायम सिंह ने पहली बार यहां से जीत हासिल की थी। इसके बाद 1998 और 1999 में बलराम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते। 2004 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर यहां से मुलायम सिंह चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 2009 और 2014 के आम चुनाव में भी मुलायम सिंह यहां से विजयी रहे। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बीजेपी ने उनके सामने योगी सरकार में मंत्री रहे जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव में इस बार का मुकाबला मोदी की गारंटी और मुलायम सिंह यादव की विरासत के बीच माना जा रहा है। आज आयोजित एक विशाल जनसभा में डिंपल यादव ने कहा कि देश की दिशा को बदलने वाला चुनाव है, जो हालत आज पूरे देश में है हम सब जानते हैं। दबाव की राजनीति हो रही है, जो हमारे लोकतंत्र पर खतरा मंडराने वाली राजनीति है। हम सभी जानते हैं कि आज देश प्रदेश में सभी वर्ग अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अग्निवीर जैसी योजना लाकर भाजपा ने पूरे देश का सम्मान गिराने का काम किया है। इस परिवर्तन की लड़ाई में सपा को आप सभी का साथ है। यदि केंद्र से भाजपा सरकार जाती है तो प्रदेश से भी जा सकती है। लड़ाई इस बात की नहीं कि कौन जीत रहा है, लड़ाई इस बात की है कि कितने ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं।